गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन जैस्मिन फराज वेलकम्स यू ऑन माय चैनल। ऑलरेडी वी हैव सीन थ्री चैप्टर्स, वी हैव कंप्लीटेड थ्री चैप्टर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, वी हैव नॉट कवर्ड डेथ ऑफ पार्टनर बिकॉज डेथ ऑफ पार्टनर up to last previous year, date of partner was for optional. That means retirement, admission and death में से कोई भी आपको एक solve करना था, तो death partner में हमेशा बाद में ही पढ़ाती हूँ। Admission and retirement अगर आपके अच्छे से हो गए तो death of partner we need only 20% more extra efforts. So we'll see that chapter later. फिलहाल हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो कवर करेंगे बिकॉज अभी भी बोर्ड से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि मार्क्सिक सिस्टम क्या होगी, पेपर पैटर्न क्या होगा। सो ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो पहले फिनिश कर रही हूँ। लास्ट ईयर तक पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को 15 मार्क्स थे। नॉन प्रॉफिट कंसर्न के बाद सबसे बड़ा चैप्टर फाइनल अकाउंट था बिकॉज नॉन प्रॉफिट कंसर्न के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मिला के उसके मार्किंग सिस्टम ज़्यादा है, और फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट, मीन्स बोथ आर इक्वल। तो हम पहले फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज एंड देन उसके बाद नेट प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट कंसर्न करेंगे। ठीक है, सो विल मूव टू द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इन 11th इफ यू रिमेंबर वी हैव डन द फाइनल अकाउंट विथ सोल ट्रेडर्स, एक ही बंदा होता था और वो बिजनेस हैंडल करता था और वो अपना फाइनल अकाउंट ओपन करता था। बेसिकली यू नो हाउ मेनी अकाउंट्स वी हैव टू ओपन, वी हैव टू अकाउंट टू अकाउंट्स एंड वन इज अ स्टेटमेंट, दैट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। सो हियर ऑल्सो वी हैव टू ओपन सेम अकाउंट, बट द डिफरेंस इज दैट हियर वी नीड टू ओपन अ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इन 11th वी हैव सीन सोल ट्रेडर फाइनल अकाउंट, बट हियर वी नीड टू सी फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर आपने नोटिस किया होगा 12th से शुरुआत से ही हमने सब पार्टनरशिप फर्म का ही स्टार्ट किया है, जैसे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डिसॉल्यूशन हो। तो धीरे धीरे 11th में हमने सोल ट्रेडर सीखा था, नाउ 12th में हम लोग पार्टनरशिप सीखेंगे। FY, SY, TY धीरे धीरे वो आपको लिमिटेड कंपनी तक फाइनल अकाउंट जाएगा। ठीक है, सो विल मूव। सो फर्स्ट दिस इज अ बेसिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑलरेडी वी हैव सीन इन OCM एंड आई थिंक LCPM ऑल्सो। So this is the features. What features they have given? Agreement, of course, agreement hota hai partnership firm ka, partnership deed, which already we have seen in admission and retirement, reconstitution of partnership firm. Agar kuch bhi change hota hai to hum ye agreement mein change karte hai. Principal and agent, do partners, ek principal hota hai to dusra agent hota hai, dono ek dusre ke principal and agent hote hai. लॉफुल बिजनेस, वही बिजनेस किया जाता है पार्टनरशिप में जो लॉफुल होगा, परमिशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो हमने अच्छे से देखा है। न्यू शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो, दिस ऑल कम्स अंडर दिस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये पॉइंट हमने कहा देखा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, रिटायरमेंट में इंसॉल्वेंट होते हैं सब पार्टनर, तो हम लोग जो इंसॉल्ट होता है पार्टनर उसकी सब प्रॉपर्टी क्या करते हैं, अपने पास ले लेते हैं, है ना। सो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो ऑल चैप्टर्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। रजिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन होता है अंडर 1932। अब ये पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपको याद रखनी है। तो ये कैसे याद रखना है, देखो मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं तो ये 2 याद रखो, ठीक है, 1932। जॉइंट ओनरशिप होती है, ऑफकोर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल सेम रिपीट किया है। डिसॉल्यूशन भी हमने देखा है कि डिसॉल्यूशन होने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। सो दिस इज ऑल द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो ऑलरेडी हमने पहले 3 चैप्टर में देखे हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, दिस इज अ पार्टनरशिप डीड। बार बार मैं आपको बोलती हूँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, तो उसका देखो पिक्चर ऐसे दिया है, थोड़ा ब्लर है, लेकिन ये ऐसे 100 रुपीज के पेज पे हमें सब लिखना होता है। देखो पार्टनर्स का नाम लिखना होता है, सेकेंड पार्टनर का नाम, थर्ड पार्टनर का नाम, फोर्थ, मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं। सी एक हिंट आपको बताती हूँ, OCM में आपने पढ़ा होगा शायद, कैसे याद रखना है, बैंकिंग, बैंकिंग में कितने पार्टनर्स होते हैं, सी या बैंकिंग, सो बैंक है ना, तो बी आप देखो बी 10 के जैसा दिख रहा है आपको, सो बैंकिंग में 10 पार्टनर्स,
एंड नॉन बैंकिंग में 20। ठीक है, ये ओसीएम में पढ़ा होगा शायद या आगे आएगा, पता नहीं मुझे आपका चैप्टर कितना चालू है, कौन सा चालू है ओसीएम में। लेकिन ये अगर आपको याद रखना है तो एक छोटी सी ट्रिक मैं बताती हूँ। बैंकिंग की जो पार्टनरशिप होती है बी, देखो स्पेलिंग बी से होती है और वो 10 के जैसे दिखता है, 1 एंड 0। तो बैंकिंग में 10 होते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स और नॉन बैंकिंग में 20 होते हैं। ठीक है, सो चलो हम अकाउंट फिर से पढ़ते हैं, ओसीएम में नहीं जाना है हमें। सो विल मूव टू द नेक्स्ट, नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब हमें किस किस की चीजों की जरूरत होती है फाइनल अकाउंट के लिए, तो क्यू जरूरत होती है टू फाइंड आउट द जीपी और ग्रॉस लॉस, ऑफ कोर्स इसके लिए ही तो हमको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, ये नाम आपने सबने सुने हैं, हमने 11 में फाइनल अकाउंट किया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट वी गेट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, नेट प्रॉफिट वी गेट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, दैट मीन्स ये हमें इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से मिलेगी कि हाउ मच असेट वी आर हैविंग, हाउ मच लाइबिलिटी वी हैव टू पे। सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल गेट फ्रॉम द बैलेंस शीट। सो इसके लिए हमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज अ मस्ट। टू फाइंड आउट द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, हमें कितने कस्टमर से पैसे आने हैं, कितने कस्टमर को पैसे देने हैं, दिस ऑल वी हैव टू फाइंड आउट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग, ऑफकोर्स हमें फ्यूचर प्लानिंग के लिए अकाउंट चाहिए, जीपी कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, वरना हम बिजनेस कर रहे हैं लॉस हो रहा है और हमें पता ही नहीं है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि वेदर वी शुड स्टॉप अवर बिजनेस और वेदर वी शुड ग्रो अवर बिजनेस। सो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज टू फाइंड आउट द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि भैया कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, इसके लिए भी हमें फाइनल अकाउंट की जरूरत होती है। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑफकोर्स अगर जीपी अच्छा है, नीपी एनपी अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा सा हरा भरा है, तो हमारा गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अगर लॉस में चल रहा है तो गुडविल की वैल्यू भी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो दिस आर ऑल द रीजन टू मेक द फाइनल अकाउंट। टैक्स भी, ऑफ कोर्स टैक्स भी हमको तो फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, सो दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट, सिर्फ याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन वेरियस स्टेप्स, ऑफ कोर्स देखो सबसे पहले 11th में जब आप आए थे तो वी स्टार्ट फ्रॉम जर्नल एंट्री, देन ऑल जर्नल एंट्री वी ट्रांसफर टू द लेजर बैलेंस वी ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस, एंड फाइनली वंस ट्रायल बैलेंस डन वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ठीक है, नहीं तो 11th का बुक फिर से ओपन करो, पढ़ो। जर्नल एंट्री पहली स्टेप हमेशा जर्नल एंट्री होती है, फिर जर्नल एंट्री हम डेबिट क्रेडिट वो लेजर में ट्रांसफर करते हैं, लेजर का जो बैलेंस बनता है कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन वो हम ट्रांसफर करते हैं फाइन ट्रायल बैलेंस में, एंड एक बार ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो वो सब हम ट्रांसफर करते हैं दिस थ्री अकाउंट्स में, मतलब प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, उसके लिए हमें थ्री अकाउंट्स ओपन करना पड़ते। डन, तो हमारा ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च से। दिस इज ऑल यू नो, ये सिर्फ रिकॉल है आपके लिए, याद पुरानी यादें 11th की। ठीक है, नेक्स्ट वन, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, वेरी सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। ऑफकोर्स दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म, तो जब हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल दोगे तब हमें एक पार्टनर्स कैपिटल भी अकाउंट ओपन करना होता है। बट डोंट गेट कंफ्यूज राइट नाउ, जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन में कहीं तो एक्सप्लेन भी किया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल होगा तो हमें करंट कैपिटल भी ओपन करना होता है। सो डिसोल्व, आई गेस डिसोल्यूशन के एक प्रॉब्लम में मैंने एक्सप्लेन किया है, बट डोंट वरी, यहाँ पे भी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब बैलेंस, जब प्रॉब्लम में आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर, सिंपल सिंपल पहले बेसिक सीख कर लो। नाउ दिस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल वी हैव डन दिस इन 11th, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। अब सबसे पहले हम फोकस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है जो यहाँ पे मैंने दी है। सो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ व्हाट वी कैन से नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन।
तो सबसे पहले दिमाग में आपके ये रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे डेबिट द एक्सपेंसेस, यहाँ पे सब हम खर्चा लिखेंगे और यहाँ पे सब हम इनकम लिखेंगे। सेल्स देखो इनकम है, ठीक है। सो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। सब एक साथ हम खाना खाएंगे तो हजम नहीं होगा, स्लोली स्लोली विल गो, जैसे जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आएगा ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल ये इनकम याद रखो, ठीक है। द थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस? सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, ऐसा एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर वो एक्सपेंसेस हम नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्शन पूरी तरह से हमारा स्टॉप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको ही हम बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अगर आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो खर्चा फैक्ट्री में होता है वो सब हमें कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है, और जो इनकम है वो क्रेडिट में। सो दिस थ्री बेसिकली ट्रिक फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट। ये तीन आप दिमाग में अच्छे से रखो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ट्रेडिंग में। सो विल स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज, ऑफकोर्स ट्रेडिंग अकाउंट ऑलवेज बिगिन विद ओपनिंग स्टॉक। देन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, हम जो भी रॉ मटेरियल लाएंगे वो परचेस। रिटर्न आउटवर्ड, इसका मतलब क्या है, परचेस रिटर्न, जो हमने परचेस किया था वो हमने रिटर्न कर दिया है। आउटवर्ड मतलब बाहर, वापस हमने बाहर हमारे फैक्ट्री से फेंक दिया है। सो रिटर्न आउटवर्ड, सो इट्स ऑलवेज माइनस फ्रॉम द परचेस। सेम रिटर्न इनवर्ड, देन जो हमने बाहर बेचा था वो वापस कस्टमर ने हमें इनवर्ड कर दिया, फैक्ट्री के अंदर आ गया। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्ड। सो समटाइम दे विल गिव परचेस रिटर्न, समटाइम दे विल गिव सेल्स रिटर्न, सो डोंट गेट कंफ्यूज, दो नाम है उसके तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। देन विल मूव टू द कैरेज इनवर्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेज इनवर्ड? जो हम रॉ मटेरियल परचेस करके लेकर आते हैं, कैरेज करके लेकर आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब खर्चा, उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब क्या, जो फैक्ट्री के अंदर आ रहा है। मैंने अभी बताया कि जो भी खर्चा हम फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, दैट वी आर गोइंग टू राइट ट्रेडिंग अकाउंट। सो ये इनवर्ड है, रॉ मटेरियल हम फैक्ट्री के अंदर लेकर आए हैं, सो दिस इज एक्सपेंसेस, सो विल राइट डेबिट साइड। टू फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये जब हम शिप में से हमारा माल लेकर आते हैं, रॉ मटेरियल दूसरे देश से, दूसरे स्टेट से, तब ये हम तीन अकाउंट, ये तीन चार्जेस हमें पे करना होते हैं। डोंट वरी, इसमें से कोई भी एक चार्जेस आपको क्वेश्चन में आएगा। सो दिस इज वन एंड द सेम, फ्रेट चार्जेस, डॉक एंड कस्टम। कस्टम मतलब जब हम लोग एरोप्लेन से लेकर आएंगे, डॉक मतलब जब हम शिप से लेकर आएंगे रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर। सो दिस ऑल द एक्सपेंसेस। वेजेस अकाउंट, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्टिव, दिस इज वन एंड द सेम, डोंट गेट कंफ्यूज। वेजेस कोई हम प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो होगा, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जो वेजेस होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। वेजेस मीन्स रेम्यूनेशन गिवन टू द वर्कर, और ऑफकोर्स वर्कर फैक्ट्री में होते हैं, सो विल राइट वेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट। देन अगेन वेजेस एंड सैलरी, सो हियर ऑल्सो वी हैव टू राइट वेजेस एंड सैलरी। समटाइम दे मेक्स कंफ्यूजन, कभी कभी वो सिर्फ वेजेस देंगे, कभी कभी वेजेस एंड सैलरी देंगे। तो अगर वेजेस एंड सैलरी दिया है तो पहला लेटर क्या है, वेजेस है पहला वर्ड, तो हम वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। हाँ, अगर यही उल्टा दिया होता, सैलरी एंड वेजेस, तो पहला लेटर क्या होता वर्ड, सैलरी, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते। सो डोंट गेट कंफ्यूज, पहले वर्ड को हाईलाइट करना है। हियर फर्स्ट वर्ड इज गिवन वेजेस, तो हम ट्रेडिंग में लिखेंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी, ऑफकोर्स हम बाहर से रॉ मटेरियल चाइना से मंगाएंगे, जापान से मंगाएंगे, अमेरिका से मंगाएंगे, सो वी नीड टू पे ड्यूटी टू आर गवर्नमेंट, सो दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसेस। दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ये हमने पे ही नहीं किया, हमने बोला हमें पे नहीं करना है, तो हमारा रॉ मटेरियल वहीं पे पड़ा होगा एयरपोर्ट पे, और अगर रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर नहीं आएगा तो प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है।
देन वी नीड कोल, गैस, मोटिव पावर, वाटर, ऑयल, ये तो सब ऑफ कोर्स फैक्ट्री में ही लगेगा. सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस. रॉयल्टी, प्राइमरी पैकिंग एंड चार्जेस, मतलब जो शुरुआत में रॉ मटेरियल को जो पैकिंग लगता है वो खर्चा, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग ऑफ कोर्स ये तो लगेगा ही, फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस होगा, वर्क मैनेजर सैलरी, वर्कर का जो मैनेजर होगा वो भी तो फैक्ट्री में ही बैठा होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे सैलरी वर्ड दिया है, कौन से मैनेजर को दिया है, जो वर्कर का मैनेजर है, अगर वर्कर फैक्ट्री में है तो वर्कर का मैनेजर भी उन पे ध्यान रखने के लिए फैक्ट्री में होगा. सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस. आई होप आपको ये समझ में आया है. थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फिर से एक बार ध्यान से देखिए कि कौन सा एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है. द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस वही हमने यहाँ पे लिखा है. विल मूव टू द क्रेडिट साइड. सेल्स इज इनकम, सो विल राइट क्रेडिट साइड. सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हम माइनस करेंगे क्योंकि वो पूरा सेल्स नहीं हुआ. अगर 20,000 का सेल्स हुआ है लेकिन 1,000 रुपीज का माल वापस आ गया है तो सेल्स हमारा सिर्फ 19,000 ही होगा. सो वी हैव टू माइनस. देन दिस ऑल विल सी वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो अभी सिर्फ इतना ही देखो, ठीक है? आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया है. नाउ विल मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बातें याद रखनी है. सो फर्स्ट ऑफ कोर्स सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? सो नॉमिनल अकाउंट है. नेक्स्ट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन, सेम ट्रेडिंग अकाउंट का. एंड नेक्स्ट, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस. जैसे हमने ट्रेडिंग में देखा था, ट्रेडिंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. हाँ, अगर हम ये एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगा, प्रोडक्शन का काम चालू रहेगा, ठीक है? सो इजी वे के लिए हम याद रखें कि जो ऑफिस में होते हैं ना छोटे मोटे खर्चे, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है? सो कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है. सो विल बिगिन विथ सैलरी. ऑफकोर्स सैलरी इज गिवन टू द ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स आर इन द ऑफिस. सो ये हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. वाई डेबिट में? बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस. सैलरी एंड वेजेस, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है, फोकस ऑन अ फर्स्ट वर्ड. नाउ हियर दे हैव गिवन फर्स्ट वर्ड सैलरी. सो सैलरी ऑलवेज राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस. सो विल राइट दिस प्रॉफिट एंड लॉस. रेंट एंड ट्रेड्स, अगर उन्होंने फैक्ट्री रेंट बोला है तो ही हमको फैक्ट्री ट्रेडिंग में लिखना है. अगर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सो एज्यूम दैट दिस इज ऑफिस रेंट ओनली, ठीक है? इंश्योरेंस, सेम अबाउट इंश्योरेंस. अगर दिया है फैक्ट्री इंश्योरेंस तो ही ट्रेडिंग में लिखो. अगर सिर्फ इंश्योरेंस दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखना है. इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग, दिस इज ऑल ट्रेवलिंग फॉर सेल्समैन. सो दिस ऑल विल कम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बिकॉज दिस इज अ ऑफिस एक्सपेंसेस. सेल्समैन भी प्रोडक्शन के बाद ही करेगा ना. सो दिस इज ऑल एक्सपेंसेस आफ्टर प्रोडक्शन. डेप्रिसिएशन, दिस ऑल वी नो ऑलरेडी. इसमें का 50% पार्ट तो अपने किया है 11th में. लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस मतलब क्या, एक बार फिनिश गुड हो गया, फैक्ट्री से बाहर आ गया तो बेचने के लिए हमें मार्केट में जाना है ना, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड. वी कैन से कैरेज आउटवर्ड ऑल्सो. सो लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फी, CA आएगा ऑडिटिंग करने, चेक करने, तो ऑफकोर्स वो ऑफिस में ही आके बैठेगा, फैक्ट्री में नहीं, ठीक है? सो ये भी खर्चा, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो दिस ऑल कम्स अंडर प्रॉफिट एंड लॉस. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर, कोई खराब हुआ होगा कुछ आइटम, प्रिंटर कुछ खराब होगा तो विल राइट हियर. इंटरेस्ट ऑन लोन, मिसलेनियस छोटा मोटा खर्चा, कन्वेंस, कन्वेंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन, लॉस बाय फायर, दिस इज ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, इसको ही हम सेकेंड वर्ड में बोलेंगे एडवर्टीजमेंट. कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टीजमेंट, अलाउंस, दिस इज वन एंड सेम, ठीक है? सो दिस इज ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस. सो दिस ऑल विल गो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सेम अबाउट क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड,
डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीव्ड, दिस ऑल विल कम वेयर क्रेडिट साइड। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम डिटेल्स में देखेंगे, डोंट वरी। नाउ फाइनली सी इन, ये इसका ही कंटिन्यू पार्ट है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यही पार्ट मैंने कंटिन्यू आगे लिया है। डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टीजमेंट, ये दो बार आया है। कैरेज आउटवर्ड, सेल्स, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब फिनिश गुड होता है, हम एक्सपोर्ट करते हमारा फिनिश गुड, तो आफ्टर प्रोडक्शन है, तो याद रखना है इम्पोर्ट ड्यूटी आप कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक्सपोर्ट ड्यूटी आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी आप कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग में, ये ऐसे याद रखना है आपको, ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। देखो टी के जैसे ही है ना, ये अगर हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट का एक सिंपल लाइन, तो इनकम इम्पोर्ट हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ना ट्रिक से याद रखो, कभी कभी बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, इम्पोर्ट का लिखना है, एक्सपोर्ट का लिखना है। सो ये टी है, देखो इम्पोर्ट, ठीक है, सो इम्पोर्ट ड्यूटी हम ट्रेडिंग में लिखेंगे, डन, और एक्सपोर्ट ड्यूटी हम प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑफ कोर्स टैक्स भी हम कहाँ करेंगे पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, जनरल एक्सपेंस से, ट्रेड, लीगल, प्रोफेशनल, बैंक के सॉलिसिटर, मतलब वकील की फी होती है, लॉयर की, सेकेंडरी पैकिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, दिस ऑल विल गो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही हाफ पार्ट है। ओके, नाउ द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताती हूँ, सिर्फ असेट लिखने हैं और यहाँ पे लाइबिलिटी लिखनी है। ठीक है, देखो अगर आपने नोटिस किया होगा, ये सब असेट एंड लाइबिलिटी हमने अच्छे से एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन में पढ़ा है, कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये डेप्रिसिएशन वगैरह हमें करना है। ठीक है, कैश इन हैंड, यहाँ पे हमने लाइबिलिटी लिखनी है जो हमें पे करनी है, बैंक लोन फ्यूचर में पे करना है, अगर कोई लोन पार्टनर्स का है तो पे करना है, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, क्रेडिटर्स। ठीक है, सो दिस विल ऑल विल सी इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसका भी कुछ बेसिक आपको याद रखना है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, नॉट अकाउंट, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, तो बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट। असेट शो डेबिट साइड एंड क्रेडिट शो लाइबिलिटी साइड। ठीक है, ये हमको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे भी हम यही करते थे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हम असेट लिखते थे और क्रेडिट में लाइबिलिटी। असेट इज में फ्यूचर इनकम लिखना है, लाइबिलिटी में फ्यूचर एक्सपेंसेस लिखना है, ये वर्ड एक याद रखो। ठीक है, असेट में जो हम फ्यूचर इनकम आएगा, फ्यूचर में आएगा, जैसे बिल रिसीवेबल, बिल के पैसे आएंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस का कोई क्लेम हमने किया है, उसके भी पैसे फ्यूचर में आएंगे, इमीडिएटली नहीं आएंगे। सो फ्यूचर इनकम अगर कुछ होगा तो विल राइट असेट साइड, और फ्यूचर एक्सपेंसेस कुछ होगा, जैसे टैक्स हमें फ्यूचर में पे करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें पे करना है, जो भी टेंशन वाली बातें है सब, ये देखो बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, इससे हमें नींद नहीं आती, हमें मतलब बिजनेसमैन को टेंशन आता है ना, सो टेंशन विल गो लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखो, बुक में कहीं नहीं लिखा है, डोंट वरी, सिर्फ ये आपको थोड़ा सा ट्रिक के लिए मैंने आपको बताया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। अब हमें सीखना क्या है, तो ये इतने सारे एडजस्टमेंट आपके सिलेबस में है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर में, बेसिकली इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 3 तो आते ही एडजस्टमेंट आपको बोर्ड में, तो ये तो हमको अच्छे से करने हैं 6 एडजस्टमेंट, क्योंकि ये 6 में से 101% 3 एडजस्टमेंट तो बोर्ड में पूछते ही है, तो ये हम अच्छे से करेंगे। और ये जो बाकी के जो दिए हैं उन्होंने, इसमें से भी एक हाथ दूसरी एडजस्टमेंट, टोटल 5 to 6 एडजस्टमेंट आपको बोर्ड में पूछते हैं, कभी 5 पूछते हैं, कभी 6, तो इसमें से 3 एडजस्टमेंट तो ये येलो जो मैंने हाईलाइट किए वो है, और बचे हुए 2 है वो इसमें से हमें पूछते हैं। तो एक एक करके जैसे जैसे आया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, हम एक एक सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको अभी सिखाऊंगी तो सब आपके सर के ऊपर से जाएगा, तो स्लोली स्लोली विल सी दिस। सिर्फ आपको जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाओगे या कॉलेज की एग्जाम होगी, तो एक बार आपको देखना है कि ये सब हमने किया है क्या कवर, क्योंकि सिलेबस में आपके यही कवर किया है। ठीक है, A to V तक। ठीक है, तो यही आपको करना है, इसका एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब आपको क्या क्या याद रखने हैं, कि ट्रायल बैलेंस हैज अ वन इफेक्ट, पोस्टिंग जब हम करेंगे एक बार ही लिखेंगे, एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, ये बार बार मैंने आई थिंक रिटायरमेंट में, एडमिशन में, डिसोल्यूशन में बार बार बोला है कि एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट,
पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट। तो कुछ कुछ बातें आपको ना सॉल्व करते वक्त याद ही रखनी है। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस देंगे वो आपको एक तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग में लिखना है, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस में, नहीं तो बैलेंस शीट की डेबिट मतलब कौन सा होता है, असेट में। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, है ना। जैसे एडमिशन में क्या देते थे, ओल्ड बैलेंस शीट देते थे, डिसोल्यूशन में भी ओल्ड बैलेंस शीट देते थे, और वो उससे हम हेल्प से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ओपन करते थे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, ट्रायल बैलेंस मिलेगा। वो ट्रायल बैलेंस से हमको क्या ओपन करना है, ये तीन अकाउंट ओपन करने हैं। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड अगर दिया है तो हमको एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाना है, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, नहीं तो बैलेंस शीट की डेबिट मतलब असेट साइड में। ठीक है, सेम अबाउट क्रेडिट, ऑपोजिट, अगर क्रेडिट साइड दिया है ट्रायल बैलेंस का तो आपको ट्रेड क्रेडिट साइड किसके जाना है, आइदर ट्रेडिंग के और प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स लायबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, इट्स वेरी सिंपल। सो थैंक यू सो मच, हम इतना ही आपको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाऊंगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पढ़ सके अपने साथ। ओके, चलो बाय।